ध्यान से, सारा सामान ध्यान से, अरे ध्यान से उतार सारा सामान। जल्दी आ, जल्दी। हेलो, मीरा रोड के आगे हथियारों की तस्करी हो रही है। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जाना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाव से माल उतार रहे हैं, आओगे तो पकड़ सकते हो। बोलिए सर। मेरी बात सुनिए, आपके माल उतारने की खबर कोई पुलिस को दे रहा है। ए धर्मा, माल उतारने की खबर किसी ने पुलिस को दे दी है? पुलिस का फोन आया, वो यही कहीं होगा, जाओ ढूंढो उसे। जल्दी अमलक, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, पकड़ उसे, डॉग कैट से बाहर मत निकलने देना, डॉग डाल साला को ही। जल्दी से मालना, मालना जल्दी। नब्बे करोड़ रुपए का माल, इतने लोग सांड की तरह यहाँ पर खड़े हैं, इसी भरोसे पर तो मैं आराम से सोया था। उसे जीवर देखकर, उससे मार खाकर यहाँ मुँह छुपाने चले आए। नहीं भाई, माल तो पहले से ही उतार दिया था, लड़के थोड़ा घबरा गए थे इसलिए। क्यों घबरा गए थे? मुंबई की सरहद से लेकर अलीबाग तक पूरे 150 मील तक फैला समंदर हमारे कंट्रोल में है। कौन है रे वो? उस अकेले ने 10 आदमी को मारा है, वो वाशी वाला डेविड ही होगा भाई। तुम्हें कैसे मालूम? उसने पहले भी हमसे छुपाकर 2 बार मीरा रोड पर माल उतरवाया था, इसीलिए डाउट हो रहा उस पे। उसे छोड़ना मत, टपका दो, दूसरों में भी उसकी मौत से डर पैदा हो, इतनी पूरी तरह मारना। बोला रहता है, मैं कुछ नहीं जानता। तो तू रात को कहाँ गया था? ए, मैं कहीं भी जाऊँ तुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुझे बताने की जरूरत नहीं तो तुझे जिंदा रहने की जरूरत। ऐसे पत्थर से बांध के समुद्र में फेंक दे। भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा भाई, मुझे छोड़। ओए, ये सहाय कौन है अकी, मुंबई को पता चलनी चाहिए। जा, जो देखा सबको बता। आगे फेंक दे इसे, हमें फेंकना। क्वेश्चन पेपर किसी ने आउट कर दिया सर? कल सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैं ठीक से लगा कर गया था सर, लेकिन यहाँ तो सारे उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं। कहाँ है वो नॉनसेंस?
अरे यही कुत्ते जिसने क्वेश्चन पेपर चुराया ना उसकी गंध पहचान कर पकड़वाने वाले। क्या कहा? ये उसे पकड़वाएंगे तो क्या तेरी तरह किचन में जाकर बीड़ी पिएंगे क्या साले नशेड़ी कहेंगे। लेकिन ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? सर जी कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है, इस बात की खुशी मनाइए, टेंशन मत दो सर। चलो चलो कम ऑन जॉनी लेट्स गो ऑन सच द थेफ्ट। गो 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 गो। मुझे डाउट हो रहा है ये कुत्ते पकड़ पाएंगे भी या नहीं। अच्छा बता लुंगी के नीचे तूने चड्डी पहनी है क्या? नहीं पहनी, क्यों? तो फिर पीछे आ जा, जॉनी को डाउट हुआ तो लुंगी भी खींच लेगा। जॉनी 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 सुसु करने जा रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे कुत्तों को सुबह से भूख लगी थी, टॉयलेट की जगह को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मुझे एनिमल वेलफेयर वाले भले पकड़ के ले जाए लेकिन इन तीनों कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, इन सब की वाट लगा दूंगा। अबे यार दो ही कुत्ते तो अंदर गए हुए हैं, अबे तीसरा तो तू ही है। बोल बोल कर कुत्तों का मूड आउट कर दिया। अरे रुक जा, एनसीसी मास्टर को बुलाओ यहाँ। अरे सामने से तेज चल। अरे सर हेडमास्टर साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। टेढ़ी मूंछों वाला एनसीसी मास्टर यहाँ आ रहा है, वो पता लगा लेंगे क्या? मिलिट्री वाले भी पता नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स तो कम नहीं हुए हैं, स्कैनर भी ऑन नहीं हुआ है, जेरॉक्स से कॉपी भी नहीं की, हाथ से लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। मोबाइल फोन से फोटो या वीडियो लिया होगा। फोटो या वीडियो क्यों लेगा, ये ताजमहल या दिल्ली का लाल किला है क्या? मैडम न्यू पेपर प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? इनको साड़ी पहनने में लेट होता है, बाकी सब तो फटाफट। एक घंटा लगेगा सर। प्लीज प्रोसीड। सर आप पुराने पुलिस वाले जरूर हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ऐसे सीरियसली काम कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर निकाल कर फ्रेंच दाढ़ी वाले फिजिक्स टीचर के न्यूज़पेपर में घुसा देता हूँ, आप ढूंढने का नाटक करना फिर ढूंढ लेना। क्यों मक्खी? मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगा, आप मुझे बियर दिलवाना। एक कड़क थप्पड़ मारूंगा ना तो दांत के टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े करके आप गोटियां खेलेंगे क्या? नहीं के मैंने कहा तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्या हुआ? सीधे जाकर मदन लाल रोड वाले भजन लाल के भाई कीर्ति लाल की बेटी पिंकी लाल को पटाकर पूरी ताकत से एक हफ्ते तक बिना खाए पिए दिन रात सोए बिना मैं अपने दांत ब्रश कराऊंगा। झिंगुर हट। क्वेश्चन पेपर गायब हो गया, उसमें तो ये टेढ़ी मूछ ऐसे खड़ा है जैसे खेत में बिजू का खड़ा हो। मर्डर केस होता तो ये कपड़े फाड़ कर सलमान खान बन जाता। बाल इतने लंबे लंबे क्यों बढ़ा रखे? वो सर कल छोटे करा लेना। जी सर। सर आप क्वेश्चन पेपर के चोर को पकड़ने वाले थे ना, क्या लंबे बाल बिना नहाए ब्रश ना करने वाले बच्चों को पकड़ रहे हैं। हाय सानिया। हाय। एग्जाम की तैयारी हो गई? प्रैक्टिकल्स है ना, उसकी पढ़ाई तो कल ही कर ली थी। सानिया काम्या मी सर ये जगत राज की भतीजी है, अगर इस पे शक किया ना तो अपने जूते अपने ही सर पे मारने पड़ेंगे। क्या बात है, आज चश्मा पहन के आई हो? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कहीं खो गया है, ऑर्डर किया है। क्यों सर, स्कूल में चश्मा पहन कर आना गलत है क्या? क्वेश्चन पेपर चुराना गलत है। मी क्वेश्चन पेपर? यस्टरडेज मैटर सर, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट सर, हाउ कैन हे यू सी समथिंग। ऑलरेडी मैंने आपके बारे में इनको बता दिया था मैडम। ऑफिस में चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से क्वेश्चन पेपर की फोटो लेते वक्त तुम्हारा कॉन्टैक्ट लेंस वहीं गिर गया था। ये मेरा नहीं है सर। ए ये बॉशन लॉम है, -0.75 शॉर्ट साइटेड, 15 डेज वंस यूज एंड थ्रो कैटेगरी। ये तुम्हारा यूज किया हुआ लेंस है, मैंने करण ऑप्टिकल से कंफर्म कर लिया है। कल चार पैर ऑर्डर किया था ना, ये रही उसकी ऑर्डर कॉपी। सॉरी सर। यही तुम्हारी पढ़ाई है क्या? कंप्यूटर साइंस की मैडम ने पूरी क्लास को धमकी दी थी कि वो सारे बच्चों को एक साथ फेल कर देंगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि डोंट गिव सिली एक्सप्लेनेशंस, तुम्हारी वजह से स्कूल की बदनामी होगी, हेडमास्टर से कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, टीसी कटवाऊंगा तुम्हारी। सर अगर मेरी यहाँ की नौकरी छूटी ना मैं रेलवे स्टेशन पर टीसी बन जाऊंगा। शट अप। मैम सर 20 सेकंड, सानिया के पुराने रिकॉर्ड दिखाइए मुझे। ओके सर। दो थप्पड़ मारते तो भी चलता पर सबके सामने मुझे पनिश करेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ए सानिया लगता है तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह नो। 12th स्टैंडर्ड सानिया कम फॉरवर्ड। सानिया काम्या।
स्टूडेंट्स, आज सानिया का बर्थडे है, सभी विश कीजिए इसे। हैप्पी बर्थडे सानिया। सर, लड़की की जगह कोई लड़का होता तो आप उसकी बैंड बजा देते, लेकिन गुलाब की कली जैसी सुंदरी थी इसलिए हैप्पी बर्थडे गवा कर छोड़ दिया है ना। क्या बे मक्खी, पनिश करने के लिए रिकॉर्ड निकाला था, तब मुझे पता चला कि आज उसका बर्थडे है। कैरेक्टर अच्छा है, हर साल अच्छे नंबर से पास होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन चोरी करना गलत है ना। चोरी करना गलत है तो चोरी करवाना भी गलत है। उस लड़की को सजा दी तो टीचर को भी देनी पड़ेगी। उसका बर्थडे था इसलिए पेरा टाइम पर सबसे उसे विश करवाया। अब तू वो सब छोड़, ये बता बोट चलाना कब सिखाएगा और अपना एरिया कब घुमाएगा। सर, उसमें देखना दिखाना क्या, स्विट्जरलैंड है क्या? जिधर भी नजर घुमाओ टूटी फूटी बोट दिखाई देगी, कब्रों में पांव लटकाए दो चार बुड्ढे भी दिखेंगे, समंदर किनारे नमक दिखेगा, सड़ी हुई मछली की बदबू आएगी। सर, यही है हमारा एरिया, संभल कर पैर के नीचे कुत्ते का केक आ जाएगा। सर, वो सुकड़ा बम्बू काला टकला दिखाई दे रहा है ना, वही है सहाय। ये पत्थर बांधकर समंदर में फेंक कर मारने की टेक्निक इसे नहीं जाती है सर। ये सब किसकी हिम्मत से कर रहा है भाई? ये सर बहुत बड़ा आदमी है, पूरे मुंबई की नमक का किंग है वो, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दबाकर अपने बगल में घुसा के रखा है सर। लेकिन इनको भी डरा कर रखने वाला एक आदमी है सर, जगतराज। कौन है ये जगतराज? हमारे स्कूल में हैप्पी बर्थडे वाली वो गुलाब की कली है ना सानिया, उसका चाचा है सर। शिप कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बहुत सारे बिजनेस है सर, लेकिन आदमी सीधा है, आड़ा टेढ़ा कोई काम नहीं करता है। टाइम्स अप, एक घंटे तक आप कोई डिस्टर्ब मत करना। सर, सेंटर मिनिस्टर। क्या हुआ जगतराज, सुबह सुबह वॉकिंग में डिस्टर्ब कर दिया क्या? नो नो सर, इट्स ऑल राइट। वाशी और बेलापुर के बीच एक नया हार्बर बनाने का प्रपोजल आया हुआ है, 6 महीने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक काम करो, रेट कम रहते ही उस एरिया में 500 एकड़ जमीन ब्लॉक कर दो। ये कौन है यार? सभी लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं और ये आदमी उल्टा वॉक कर रहा है। सर, भाई यही वॉकिंग कर रहे हैं। सर, हम लोग निकल लेते हैं, भाई और जगतरा सामने सामने, पंगा कंफर्म है। साला कस्टम ऑफिसर है तो क्या किसी भी जहाज में घुस जाएगा? अरे इसे समुद्र में मार के फेंकने के लिए मैं भाग आ रहा था, आपने इसे सबके सामने मार दिया। किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो क्या करेंगे? साला इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे खिलाफ बोले? जल्दी आओ, 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 ज